इसी तरह बेटा अब मॉडर्न जमाने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक टर्म आ चुका है और जो इसे सीख लेता है उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। सुना है किसने? आप खड़े करो, किसने सुना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही नया कंसेप्ट मार्केट में आया है और मैं आज आपको बताकर जा रहा हूँ कि ये बहुत ही ऐसा फील्ड होने वाला है, टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। कि बेटा बहुत समय पहले आपने ये सुना होगा, 5-6 साल पहले एक्सेल जो है वो क्या होती है, जिसको पता है। मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मैं उसे पूछता था कि भैया आप ये लिखते रहते हो, भैया सफाई खाते हो आप, यहाँ पे टाइम में भी लिखते रहेंगे, इतना ही क्वेश्चन था। मीमी तो हमारे बिना तो काम चलना ही नहीं है बेटा। फिर क्या हुआ ना, फिर इंट्रोडक्शन टू दिल्ली हुआ, सुना है ना? इसने सीख लिया क्यों, मॉडर्नाइजेशन होना था, कंप्यूटर पर सारा काम होने लग गया था धीरे धीरे। कोई तो अपने आप को धीरे धीरे अपडेट करता है, कोई तुरंत प्रभाव से अपडेट करता है। जिन्होंने उस टाइम टैली सीख लिया था ना बेटा, वो बहुत अच्छी जॉब लेकर बैठे आज। और जो अपडेट नहीं हुए ना अपने, जो मुनीमी करते रह गए या लिखते रह गए, आज भी होता है, बहुत कम हो गए, मानते ही बात। उसी तरीके से फिर बेसिक आया, बेसिक ऑफिस पर चल ही रहा है। आपको कुछ फाइल निकालनी है, आपको कुछ टाइप करनी है, डॉक्यूमेंट आप टाइप करके प्रिंट आउट करते हो ना। आजकल जो लेटर आता है सिग्नेचर के लिए टीचर्स के पास, वो भी टाइप होता है ना, मॉडर्न हो रहा जमाना। इसी तरह बेटा अब मॉडर्न जमाने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक टर्म आ चुका है और जो इसे सीख लेता है उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। आने वाले टाइम में इसके बिना काम नहीं चलने वाला, और ये सही बात है। गोविंद ने सोचा कि मुझे इवेंट कंपनी खोली है, उसने इवेंट कंपनी का नाम रखा डेस्टिनेस एंटरटेनमेंट। अब उसने इवेंट कंपनी का नाम खोल लिया, अब उसको घर बैठा है, इवेंट कंपनी खोली, बिजनेस आएगा। अब हमें पता ही नहीं है कि कोई बिजनेस खुला है किसी सिटी में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट मिले, क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट, विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। एक बात है, पहले से चलता है, पर मेरे पास एक और आईडिया है। बोले क्या? बोले बैनर लगाएंगे, फ्लैक्स लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे। और उस एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जब हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड ऑनलाइन हो जाता है, मार्केटिंग चैनल माध्यम हमारा मीडियम एडवर्टाइजमेंट का ऑनलाइन है, उसे हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और सबसे फेमस वेबसाइट कौन सी है आपकी नजरों में? गूगल। क्यों? उस गूगल पर पूरा वर्ल्ड है, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड के लिए, और उसके ऊपर हर कोई क्या करना चाहता है, और वो एडवर्टाइजमेंट जब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। आज अगर आपको कुछ पढ़ना है, आज आपको सॉल्यूशन चाहिए कि मैं कैसे बनाऊं, मुझे डोसा अच्छा लगता है डोसा कैसे बनाऊं, ठीक है चाउमीन अच्छी लगती है चाउमीन कैसे बनाऊं, यूट्यूब इज देयर, यस एंड नो, यस सर, वीडियो देखते हो सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या आप आज दुकान पर जाकर एक मैगजीन लेकर आते हो रेसिपी? नो सर। इजी हो गया ना टास्क? यस सर। क्या बुक लेकर आते हो किसी चीज के पढ़ने के लिए? यार ये तो गूगल पर मिल जाएगा, सर्च करते हो तुरंत। यस सर। एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, यस और नो? यस सर। आपको इस बात से ये तो पता लग ही गया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें अंदर करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, आपका फ्यूचर स्कोर है, क्योंकि बिना प्रमोशन के तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता, और हर रोज नए बिजनेस खुलते हैं। यस सर। क्या आप वो बंदा बन सकते हैं कि आप किसी को स्ट्रेटेजी दे, आप उसका बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट करके दे और उसका बिजनेस डबल होगा, तो उसको आपकी जरूरत है। अगर वो जरूरत आप पूरी करोगे तो आप क्या करोगे? अब मैं हिसार से चला, मुझे रास्ता नहीं पता था, फर्स्ट डे पहले क्या लिखा, गवर्नमेंट कॉलेज भट्टू कलान आ गया। क्या 5 साल पहले ये फैसिलिटी थी? नहीं थी। तो हम एक बिजनेस को अगर हम ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा।